नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 20 जुलाई। चलो जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 26,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए अपडेट के अनुसार बीते दिन बिहार में 1412 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,379 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कोविड-19 से 16,597 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद बिहार में कुल मिलाकर 9,602 एक्टिव मामले फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से 179 लोगों की जान जा चुकी है। 30 प्राइवेट अस्पतालों में अब शुरू होगा कोविड-19 का इलाज। बिहार में बेकाबू हो चुके कोविड-19 के मामलों को देखते हुए इसके रोकथाम के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी काम सौंपा गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के 30 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज शुरू करवाया गया है। अस्पताल कोविड-19 संक्रमित मरीजों को सरकारी अस्पताल में रेफर नहीं करेंगे, बल्कि अब कोविड-19 के मरीज का इलाज यहीं अस्पताल में खुद किया जाएगा। अगले 2-3 दिन में पटना के 30 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी कुमार रवि ने की। राजधानी पटना पहुंची केंद्रीय टीम, कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। बिहार में कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्रीय टीम राजधानी पटना बीते दिन पहुंची थी, जहां पर पहुंचकर बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे इंतजामों के साथ साथ संक्रमण के ग्राउंड फैक्ट की सारी जांच पड़ताल की है। वहीं पटना पहुंचते ही केंद्रीय टीम ने बिहार में कोविड-19 के रोकथाम के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र का उदाहरण पेश किया है। केंद्रीय टीम ने कहा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने केंद्र के सुझाव पर अमल करके स्थिति को बेहतर किया है। इन राज्यों में जो पहले स्थिति थी वो आज अब बिहार में बन रही है। केंद्रीय टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने किया। बिहार में कोविड-19 संक्रमित डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को होटल में दी जाएगी आइसोलेशन की सुविधा। जितनी तेजी से आम नागरिक इसकी चपेट में आ रहे हैं, उतनी ही तेजी से आम नागरिकों को बचाने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मी भी कोविड-19 के चपेट में आते देखे जा रहे हैं, जिसके तहत अब बिहार के सरकारी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने और लक्षणात्मक होने पर होम आइसोलेशन की जगह होटल में आइसोलेशन के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, होटल आइसोलेशन का भुगतान भी राज्य सरकार खुद ही करेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने इस बात की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने अररिया गलगलिया के बीच 4 लेन सड़क को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने बीते दिन अररिया गलगलिया सड़क के 4 लेन निर्माण की मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने NHAI की भू अर्जन समिति द्वारा इस सड़क के निर्माण पर अपनी मंजूरी दे दी है। 94 किलोमीटर लंबे इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसकी पुष्टि NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी चंदन वत्स ने की है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि सड़क का निर्माण 2 पैकेज में करवाया जाएगा। पहले पैकेज में गलगलिया से बहादुरगंज के बीच, वहीं दूसरे पैकेज में बहादुरगंज से अररिया के बीच सड़क का निर्माण होगा। 21 तक इंटर की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन में करा सकते हैं सुधार। बिहार बोर्ड ने साल 2021 में होने वाले इंटर की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को डमी रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का एक और मौका दे दिया है, जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन के समय से ही सही जानकारी उपलब्ध करवा सकती है, जिससे कि उनके एडमिट कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में सही जानकारी डाली जा सके। इसके लिए 21 तारीख तक सभी छात्र छात्राएं बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके उसमें दर्ज जानकारी देख सकते हैं, साथ ही त्रुटि सही सकते हैं। गंगाजल उद्वह परियोजना का काम हुआ शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगाजल को घर घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गंगाजल उद्वह परियोजना का काम शुरू हो गया है। मोकामा के मराची के पास से सरमेरा, रहुई और बिहार शरीफ होते हुए पाइपलाइन के माध्यम से गंगाजल नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड के घोरा कटोरा तक लाने की परियोजना है, जिसके बाद घोरा कटोरा में ही एक डैम में गंगाजल को एकत्रित किया जाएगा, फिर यहीं से पूरे प्यूरिफाई कर राजगीर और गया पाइपलाइन से भेजा जाएगा। बिहार के धर्मेंद्र ने बनाया दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के धर्मेंद्र ने सिर से सरिया को मोड़कर कुछ समय पहले अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसके बाद लगातार उन्होंने अपने नाम दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार हैमरहेड मैन के नाम से मशहूर कैमूर के धर्मेंद्र ने नया कारनामा कर दिखाया है, जिसके तहत हाल ही में उन्होंने दांत से 12 mm के लोहे का सरिया मोड़ने का दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। धर्मेंद्र से पहले स्टंट का विश्व रिकॉर्ड अमेरिका के लैस डेविस के नाम दर्ज था। धर्मेंद्र ने 1 मिनट में 15 सरिया 12 mm को अपने दांत से मोड़कर नया कीर्तिमान हासिल किया है। जदयू की तरफ से जारी किया गया ऑनलाइन चुनावी पोस्टर। बिहार में कोविड-19 के बेलगाम बढ़ते मामलों के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से जारी है, और इसी क्रम में एनडीए गठबंधन लगातार वर्चुअल मीटिंग और सभा करने में व्यस्त दिखाई दे रही है, जिसके बाद
जदयू ने भी बीते दिन ऑनलाइन चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें एक नया स्लोगन गढ़ा गया है। जदयू ने जो पोस्टर जारी किया है उसमें लिखा गया है कि विकास पथ पर चल पड़ा बिहार, मैं उसकी ही कतार में हूँ, बिहार के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ, हाँ मैं नीतीश कुमार हूँ। केंद्र ने बिहार को दिए 264 नए वेंटिलेटर। अपने वादे अनुसार रविवार को केंद्रीय टीम कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बढ़ रहे मामलों का जायजा लेने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को 264 नए वेंटिलेटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इससे पहले 100 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन बताया कि स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर बेहतर इलाज देने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए दी गई है। आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 10 लोगों की गई जान। कोविड 19 के इस माहौल में आकाशीय बिजली ने बिहार वासियों की परेशानी बढ़ा रखी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बीते दिन 10 लोगों की जान चली गई है, जिसके तहत पूर्णिया में 3, बेगूसराय में 2, पटना में 1, सहरसा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, मधेपुरा में 1 और दरभंगा में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना भी व्यक्त की है, साथ ही जान गंवाने वाले परिजनों को तत्काल 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान देने का फैसला भी सुनाया है। इतना ही नहीं, खराब मौसम में सभी लोगों से घरों में रहने की ही अपील की गई है। राजधानी पटना में बढ़ रहे मामलों पर रविशंकर प्रसाद ने ली जानकारी। राजधानी पटना कोविड 19 का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जिसको देखते हुए स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अब हरकत में आ गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन पटना के हालात को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार, एम्स पटना के निदेशक और पटना के डीएम से बातचीत की है। साथ ही पटना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता को बताते हुए राज्य सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। बिहार के भोजपुर जिले में मिली 4.5 फुट लंबी मछली। बिहार के भोजपुर जिले में रविवार को करीब 4.5 फुट लंबी मछली मिली है, जिसको देखने के लिए ग्रामीण भी लगातार जमा हो रहे हैं। ग्रामीण इससे गरई मछली बता रहे हैं। देखने में तो रंग रूप से ये गरई जैसी नहीं दिख रही थी, मगर गरई मछली आमतौर पर इतनी लंबी नहीं होती है, लिहाजा मछली की प्रजाति को लेकर घंटों अटकलों का दौर जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार नहर के तिरारी बाजार की ओर से निकले बड़का गांव गहरा के पानी में शांत पड़ी और मछली को देखकर उपस्थित लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, जिसके थोड़ी देर बाद इस मछली को पकड़ लिया गया। तेजस्वी यादव ने कोविड 19 के तर्ज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत हर दिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गायब रहने पर सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गाफिल नीतीश कुमार बेपरवाही, लापरवाही, निर्लज्जता, नैतिकता, समयनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और गैर जिम्मेवारी के सारे पैमाने तोड़ चुकी है। कोरोना के चलते बिहार में बुरी परिस्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर की इंसानियत जा चुकी है। इन्हें राज्यवासियों की नहीं बल्कि वोट की चिंता है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। कोरोना के बेकाबू हो रहे मामलों के बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, और यही कारण है कि 16 से 31 जुलाई तक लगाए गए लॉकडाउन के बीच लोगों पर सख्ती से पेश आया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को वाहन चेकिंग मुहिम चलाने का निर्देश जारी किया है। 5 जुलाई से अब तक पुलिस विभाग के अनुसार कुल मिलाकर 30,31,800 फाइन के रूप में बिना मास्क पहने वाले लोगों से वसूला जा चुका है। इतना ही नहीं, एडीजी मुख्यालय ने यह भी बताया है कि सिर्फ रविवार को राज्य भर में कुल 9,057 लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई है, जिनसे 4,52,850 रुपए फाइन के रूप में वसूले गए हैं। बिहार के 8 जिलों में आई बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भारी बारिश के कारण साथ ही नेपाल की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार के 8 जिलों में बाढ़ ने भयावह रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से कुल मिलाकर इसने अपनी चपेट में 130 प्रखंड के 153 पंचायत में 2,92,731 लोगों की आबादी प्रभावित कर रखी है। हालांकि बाढ़ में फंसे अब तक 11,845 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अब इन लोगों के लिए 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत बाढ़ ने सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। आज से सभी अनुमंडल अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट की सुविधा हुई शुरू। कोविड 19 प्रभावितों के हर दिन बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। वहीं बिहार में जांच की सुविधा को बढ़ाने के लिए आज से सभी अनुमंडल अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू करवा दी गई है, जिसकी जानकारी सूचना सचिव अनुपम कुमार ने दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि आज से कोविड 19 के लक्षण वाले सभी मरीजों का ऑन डिमांड एंटीजन टेस्ट निःशुल्क किया जाएगा।
राखियों को विदेश भेजने के लिए 25 जुलाई तक कर दे पोस्ट। अगले महीने राखी का त्यौहार मनाया जाना है। इसके तहत दूरदराज रह रहे भाई बहन को इस त्यौहार से वंचित नहीं करने के लिए 25 जुलाई तक पोस्ट करने का आदेश जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 की वजह से केवल 35 देश के लिए ही राखियां लेने का फैसला सुनाया गया है। डाक विभाग ने समुद्री मार्ग से इन देशों में राखी पहुंचाने की व्यवस्था की है। वहीं देश के अंदर राखियों की डिलीवरी गाड़ियों से करवाई जा रही है, तो इस बार इंटरनेशनल फ्लाइट के बंद होने की वजह से समुद्री रास्तों से राखियों को विदेश का प्रबंध किया गया है। बिहार सरकार ने बिजली परियोजनाओं में चीन से बने उपकरणों के इस्तेमाल पर लगाई रोक। भारत चीन के बीच जारी तनाव का असर अभी भी कई उद्योग जगत पर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बिहार सरकार ने भी अहम फैसला सुना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने बिजली परियोजनाओं में चीन के बने उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है। पावर सेक्टर में चाइनीज सामानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, खासकर सोलर पावर प्लांट होने से जुड़े अन्य काम से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, जिसकी जानकारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दी है, जिसके बाद ही बिहार ने इस संबंध में निर्णय लिया है। जदयू के वर्चुअल सम्मेलन के दूसरे दिन मंत्री अशोक चौधरी ने की बिहार सरकार की तारीफ। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जदयू लगातार वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन करवा रही है। इसी दौरान वर्चुअल सम्मेलन के दूसरे दिन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार की उपलब्धियों को बताया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का हर संभव प्रयास नीतीश कुमार ने अपने 15 सालों के शासनकाल में किया है। नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच के कारण बिहार में शिक्षा बजट 35,000 करोड़ तक पहुंच गया है। आज से 15 साल पहले पूरे बिहार का ही बजट 24,000 करोड़ हुआ करता था। बिहार के नेताओं के बीच बढ़ रहे संक्रमण से परेशान है कांग्रेस एमएलसी। आम नागरिकों से लेकर कोविड-19 ने अपनी चपेट में राजनीति के नेताओं को भी लेना शुरू कर दिया है, और यही कारण है कि अब सभी नेतागण कोविड-19 के कारण काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। कांग्रेसी एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने क्वार्टर नंबर 31 में रहते हुए अपने इस परेशानी को व्यक्त किया है, क्योंकि उनके बगल के सहयोगी और एमएलसी खालिद अनवर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी कैंपस के एक और सहयोगी एमएलसी सुनील कुमार सिंह भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा को भी कोविड-19 का खौफ सताने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बाढ़ की ली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बिहार के कई जिलों में आई बाढ़ की जानकारी ली है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को हर संभव मदद मुहैया करवाने का आश्वासन भी दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में भारी बारिश लगातार देखी जा रही है, जिसकी वजह से राज्य के 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बहन ने उठाया अहम कदम। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, मगर इसके बावजूद उनके प्रशंसक लगातार उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति काफी ज्यादा दुखी है, और यही कारण है कि श्वेता सिंह ने लोगों के आ रहे अलग अलग कमेंट्स को देखते हुए अपने इंस्टाग्राम पेज पर कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया है। ऐसे में अब उनके पोस्ट पर चुनिंदा लोग ही कमेंट कर सकते हैं। कमरान अकमल ने की रोहित शर्मा की तारीफ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कमरान अकमल ने टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पावर हिटिंग के मामले में रोहित के जैसा दूसरा बल्लेबाज कोई मौजूद नहीं है। यूट्यूब चैनल पर अपने फैन से रूबरू होने के दौरान उन्होंने कहा कि रोहित के बारे में मैं क्या कहूं, वो एक शानदार और विश्वसनीय बल्लेबाज है, और उनको बल्लेबाजी करते देखना अपने आप में कमाल का अनुभव है। उनकी बल्लेबाजी टेम्परामेंट व उनका समर्पण अविश्वसनीय है। आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज की तारीख बढ़ी आगे। चाइनीज ऐप्स पर लगाए गए बंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत की तरफ से आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया था, जिसके तहत मोबाइल गेम, सोशल मीडिया और फोटो वीडियो एडिटिंग ऐप बनाने का चैलेंज दिया गया था। इस चैलेंज के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, मगर अब इस चैलेंज को पूरा करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई थी, मगर अब तारीख को आगे बढ़ाकर 26 जुलाई तक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 3 कंपनियों को 20 लाख रुपए के इनाम के लिए चुन लिया गया है, जिसके तहत जयपुर की सार्प वेब, हैदराबाद की पीपल लिंक, केरल के टेक जेंटिशिया का नाम शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अभयराज, उजाला चौधरी, गोल्डन बाबू, पप्पू कुमार, विकास कुमार, चंदन कुमार, कुमार उत्कर्ष, दिव्यांशु कुमारी, बीना मंडल, सौरभ कुमार, बबीता देवी, प्रमोद सैनी, सुधीर कुमार, मनकेश ठाकुर, मदन कुमार, पाठक जवाहर,
कुमार, मोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के मामलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के आने से कोरोना के बढ़ रहे मामलों को नियंत्रित करने में कितनी सहायता मिलेगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।